So what's up everybody, your friend Mysteryboy and I'm back with another video. So guys, today I'm going to show you which bike we are going to show you. These two bikes we are standing here, fully modified. These two bikes you are showing, these are bower, but these are not bower. And these are you in a little Harley look, but these are not Harley. Because today we are in Tilak Nagar, on Rideofy, where we are going to review these two bikes. We will talk about pricing, what are the accessories, we will tell you everything. We will hear the exhaust sound. And if there is a bike, if you want to see it, then behind. मैं आपको एक सिनेमैटिक शॉट्स में सारी बाइक्स और भी दिखा दूंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो सबसे पहले मिलते हैं ओनर से। आज हमारे साथ है मयूर भैया। तो हेलो भैया, क्या हाल है अर्जुन जी? एकदम बढ़िया, आप बताओ क्या हाल है? बस एकदम बढ़िया। तो भैया एक बार ये बता दो कि ओरिजिनली ये दोनों कौन सी बाइक्स हैं? ओरिजिनली अगर आप बात करो, ये एक थंडरबर्ड थी। थंडरबर्ड थी जिसको आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया? जो कि एक बॉबर लुक में, पूरी बॉबर स्टाइल में कन्वर्ट हो चुकी है। और ये जो बाइक आप देख रहे हो, ये एक इलेक्ट्रा बाइक थी। इलेक्ट्रा को हमने मॉडिफाई किया है एक हार्ली स्टाइल लुक में, पूरी कम्प्लीटली। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बॉबर से, किसके अंदर क्या क्या एसेसरी लगी हुई, एकदम डिटेल में बताते हैं। तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने देखिए आगे अलॉय व्हील चेंज किया है, टायर इसका चेंज है, ब्रांड न्यू टायर है। और आप देख रहे हैं इसका आगे का पूरा लुक ये चेंज किया गया है। हेडलाइट, अगर हेडलाइट पास से दिखाया हमारा आपको, तो वैसे ये देख सकते हो हेडलाइट्स, नंबर प्लेट देख सकते हो। और गाइस ब्रांड न्यू टायर्स है, अभी तक ग्रूव्स भी नहीं उतरे इस टायर के, अभी गाड़ी रेडी ही हुई है। अच्छा, और फॉर सेल गाड़ी है। फॉर सेल। और इसके अलॉय व्हील्स देख सकते हो एक बार आप पास से। और भी अगर थोड़ा और पीछे आए टैंक की तरफ, आप देख सकते हो ये जो टैंक है, हमने कस्टम मेड टैंक इस पर लगाया हुआ है। अच्छा, मतलब टैंक भी पूरा चेंज है, मेड है। और इसके ऊपर बॉबर का लोगो और राइडोफाय का लोगो है। पेंट से किया गया है काम जो आप। अच्छा, मतलब ये स्टिकर नहीं है, पेंट जॉब है। आप देख सकते हो इसमें हैंडल बार हमने चेंज किया है, बार एंड लाइट लगाई है। मैं ये देख सकता हूँ, और ये डिजिटल मीटर है जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। कैसे अगर मीटर देखो, मीटर भी फुल्ली टोटली चेंज है, देख सकते हो। और दोनों तरफ इस तरह के साइड कवर्स लगाए गए हैं जो कि हार्डली बाइक में ही होते हैं। अच्छा हाँ, हैवी ब्रीदर्स के टाइप के होते हैं। और ये हॉर्न भी आपने, हाँ जी, हैवी रूट्स हॉर्न लगाए गए हैं। कस्टम मडगार्ड, सॉरी कस्टम एग्जॉस्ट लगाया गया है, जो एग्जॉस्ट डुअल एक्सेल में, डबल एक्सेल ट्विन पाइप है। सो गाइस, अब अगर सीट की बात करें तो भैया इसमें सीट भी डिफरेंटली लगी हुई है, बिल्कुल कस्टम है। ये दोनों कस्टम, सारी सीट कस्टम करके लगाई गई है। और ये इंडिकेटर्स आप देख रहे हो, कस्टम इंडिकेटर हार्ले स्टाइल लगाया गया है। और इसी से आप देखोगे इसके टायर साइज चेंज किया गया है, 140 का टायर इसमें लगाया है। गाइस बैक साइड का अलॉय इसमें लगा हुआ है, कस्टम अलॉय। और आप देख रहे हैं ये कस्टम मडगार्ड के साथ, इस पर भी पेंट जॉब होकर राइडोफाय का लोगो है, आप भी देख सकते हो। और नंबर प्लेट भी चेंज है, साइड नंबर प्लेट है बैक लाइट के साथ। अगर आप इस साइड से देखोगे तो बाकी इसके अंदर, अगर आप इस साइड से भी देखना चाहो आप देख सकते हो इसके इंडिकेटर। अब अगर हम थोड़ा इस साइड आए, इस साइड से भी अगर आपको लुक दिखाएं, तो यहाँ भी वही सेम एक्सेसरीज लगी हुई है, टोटली पूरा हार्डली वाला लुक दे रही है बाइक। तो भाई अगर प्राइसिंग की भी बात इसके साथ ही कर ले तो बिल्कुल, अगर हम इसकी मॉडिफिकेशन कॉस्ट की बात करते हैं तो तकरीबन 1.5 लाख के आसपास तरह की, मतलब 1.5 लाख के आसपास इसके अंदर मॉडिफिकेशन हो रखी है, कॉस्ट आती है। और इसका अपने प्राइस क्या रखा है? देखिए ये जो बाइक है फॉर सेल थी। अच्छा, अभी इसकी जो है बुकिंग रिसेंटली हुई है। अच्छा, बुकिंग हो चुकी है। बट अगर किसी को अपनी बाइक यहाँ पे करानी हो मॉडिफाई, हाँ, तो वो भी पॉसिबल होता है, जैसे कि मैंने बताया तकरीबन 1.5 लाख के आसपास। अच्छा, 1.5-2 लाख के आपका, 2 लाख के अंदर आपकी जो पूरी बाइक है
2 लाख मतलब अगर हम बात करें इस तरह की मॉडिफिकेशन जो शुरू हो जाती हैं वो 1 लाख रुपए के आसपास से हो जाती हैं 1 लाख रुपए के और हमारे यहाँ जो इनिशियल मॉडिफिकेशन शुरू होती हैं वो 20-25,000 रुपीज़ से शुरू हो जाती है। अच्छा, और आपके पास सब हर चीज़ अवेलेबल होती है? हर चीज़ अवेलेबल होती है, अलॉय व्हील्स, टायर्स, सीट्स, लाइट्स, बैकरेस्ट। अगर उसके ऊपर आपको वीडियो देखनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलते हैं अब नेक्स्ट बाइक की तरफ। बिल्कुल आइए। बॉवर स्टाइल थंडरबर्ड के बारे में बात करने के बाद आते हैं इलेक्ट्रा की तरफ। तो भाई इसके अंदर भी हम शुरुआत करते हैं आगे से ही। तो हेडलैम्प लगे हुए हैं इसके अंदर, टायर बुल्ला चेंज है, ब्रॉडर टायर इसमें, उस बाइक से भी ज़्यादा ब्रॉड टायर हमने इसमें लगाया है। अगर एक बार इस बाइक को देखें और फिर आप उसको कंपेयर करो, ये 130 mm का टायर हमने इसमें आगे लगाया, 15 इंच अलॉय के साथ कस्टम मतगाड़ आगे फिट किया है। कस्टम है। डिस्क ब्रेक्स भी चेंज है, डिस्क ब्रेक नॉर्मल है जैसे बाइक में थे वैसे ही हो गए हैं। आगे देख सकते हो उसका जो हैवी लुक ये दिया गया है लाइट के साथ, नीचे फैट बॉय टाइप में दिया गया। बिल्कुल, नंबर प्लेट्स, इंडिकेटर, राइडर हैंडलबार, और इसका खास अच्छा डिज़ाइन टैंक आप देख सकते हो। ये देख सकते हो ये सारा टैंक का डिज़ाइन वाला इनफील्ड कस्टमर की डिमांड पे इसमें लिखा गया है उनका मे बी निक नेम और समथिंग, मतलब इसकी भी बुकिंग हो चुकी है इस बाइक की। और बाकी अगर हम थोड़ा पीछे देख रहे हो आप दोनों साइड कवर, ये दोनों साइड हैं, दोनों साइड हैं, ये बीच में मीटर बॉक्स इस तरह का लगाया गया है, ये सॉरी बीच में बैटरी बॉक्स है, इसके अंदर बैटरी फिट किया थी, इग्निशन भी इसका यहीं रखा गया है, देख सकते हो इसका इग्निशन है यहाँ से, और आउटर एयर फिल्टर इसमें लगाया गया है। थोड़ा अंदर से अगर आप देखो, अगर इसके अंदर सीट्स भी चेंज हो रखी हैं, भी चेंज है, पीछे का भी पूरा लुक जो है इसको चेंज किया गया है, आप देख सकते हो। एग्जॉस्ट भी इसके अंदर, एग्जॉस्ट भी इसमें शार्क लगाया गया है, डुअल टोन शार्क, और गाइस कंडीशन देख सकते हो आप पूरी अभी भी चमक रही है। और गाइस मेन अट्रैक्शन इसका टैंक है, टैंक के ऊपर आप ये जो लाइंस देखोगे, अगर मैं आपको ऊपर से दिखाऊं तो टैंक इसकी मेन अट्रैक्शन है। बाकी इसके एग्जॉस्ट की भी आवाज़ आपको हम सुनाते हैं, पीछे भी लोगो जो लगे हुए हैं, मडगार्ड चेंज्ड है पूरा, बाकी ये हैंडल बार भी रेज्ड है, पीछे जो बार एंड ये सॉरी लाइट लगाई हुई है, एलईडी लाइट इन द मडगार्ड। अच्छा, ये गाइस ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत अच्छी लगती हैं बाइक्स पे, आप देख सकते हो इसका टायर है 15 इंच का, इसमें टायर लगाया गया है 15 इंच में, 140 mm का टायर है, साइड नंबर प्लेट इसमें लगाई गई है, यहाँ से आप देख सकते हो हार्ले स्टाइल साइड नंबर प्लेट, एंड हार्ले स्टाइल मेटल इंडिकेटर हैं जो इसमें लगे हैं, अगर आपको चला के दिखा, अगर आपको चला के भी दिखा देते हैं। एंड ये है सिंक आगे वाले बार एंड से, बार एंड लाइट मिड ब्लू कलर है। गैस पूरी चेंज्ड है ये बाइक, पूरी हार्ले का लुक दे रही है, इसका जो ये हैंडल बार है कर्व्ड हैंडल बार, और इसका अगर मीटर भी हम आपको दिखाएं तो एक बार मीटर भी देख ही लो। बाकी इसके अंदर कितने की मॉडिफिकेशन हो रखी होगी प्राइस? 1.25 लाख के आसपास की मॉडिफिकेशन की कॉस्ट रहती है ऐसी बाइक, 1.25 लाख के इस तरह के चेंजेस किए जाते हैं, और भी काफ़ी तरह के जो चेंजेस पर डिपेंड करता है कि कस्टमर क्या चीज़ करवाना चाहते हैं, क्या अच्छा हमें वेरिएशन वो बाइक में बनाना चाहते हैं लेके आना, कस्टमर डिमांड पे है पूरी बाइक, इट डिपेंड्स, वी आल्सो सजेस्ट देम, हम भी सजेस्ट करते हैं, और कई बार उनका भी एक चॉइस रहता है कि यार आई वांट टू दिस पर्टिकुलर थिंग, इट डिपेंड्स कि वो क्या चाहते हैं। तो अभी बार सो गाइज यही था हमारा आज का वीडियो इन दोनों बाइक्स को लेके। आप ये ज़रूर बताने कि आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक अच्छी लगी, वैसे तो दोनों बाइक ही अच्छी हैं बट इन दोनों में से कौन सी बाइक आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी मेरे मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपके इंस्टाग्राम हैंडल या फेसबुक हैंडल या यूट्यूब हैंडल कुछ भी है तो आप एक बार व्यूअर्स को बता दो। हमारे देखिए Rideofy इज प्रेजेंट ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, एवरीवेयर वी आर देयर, Rideofy के नाम से, Rideofy के नाम। बाकी गाइस डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे लिंक्स होंगे, एक बार जाके आप चेकआउट जरूर करो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे सबसे पहले अपडेट आएगा अगर कोई सी भी बाइक मेरे पास न्यू मॉडिफाई होगी। बाकी उसके अंदर आप पूछ भी सकते हो आपको क्या इंक्वायरीज है, बाकी मैं नंबर डाल सकता हूँ डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल नंबर में आपका यहाँ पे फ्लैश कर दूंगा, और यहाँ पे इंस्टाग्राम भैया का आ रहा होगा, इस साइड मेरा आ रहा होगा, तो गाइस जाके फॉलो जरूर करो। बाकी भैया एक बार जल्दी बताएंगे, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।
बाय बाय।